जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टेक छोरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। तो दोस्तों, आज हम OnePlus स्मार्ट वॉच की कॉपी, जो फर्स्ट कॉपी आती है, उसके सारे फीचर्स और डिटेल के बारे में जानेंगे कि उसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स है जो हमारे काम की है और कौन कौन सी सेटिंग्स है जो हमारे बिल्कुल ही काम की नहीं है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें मिलती हैं और कितने ऐसे एप्लीकेशन है जो हमारे बहुत ही काम के यूजफुल है और सच्ची में वो एप्लीकेशन वर्क करती है प्रॉपरली या नहीं करती। तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं और कैसे अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करना है, किस तरह से ये एप्लीकेशन रन करती है, कैसे वर्क करती है, कैसे अपना वॉलपेपर इस पर सेट करते हैं, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अलग अलग प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग हम करते रहते हैं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, ये है वो स्मार्ट वॉच जिसके हम सारे फीचर्स और डिटेल्स जानेंगे। बट दोस्तों, इसके फीचर और डिटेल्स जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। दोस्तों, आपके पास कोई भी स्मार्ट वॉच हो, चाहे रियलमी का हो, MI का हो, OnePlus का हो, U&I कंपनी का हो, XYZ कोई भी कंपनी का स्मार्ट वॉच हो, सभी में एक जैसा ही सेटिंग आता है। यानी ये बास्केटबॉल आ गया, बैडमिंटन, बॉलिंग, फलाना ढिमक्का, बाइक राइडिंग, म्यूज़िक में आपको कैसे प्ले करना है वो मैं आपको बता दूंगा, एप्लीकेशन से कनेक्ट करके कैसे आप प्ले कर सकते हैं। वेदर्स आ गया दोस्तों, डायलर्स फिर से वही आ गया, ये तो ओके। स्लीप मोड आ गया और कैमरा भी कैसे ऑपरेट होता है ये मैं आपको मोबाइल में बता दूंगा कनेक्ट करके। स्टॉप वॉच हो गया दोस्तों, ये लुकिंग फॉर हो गया, यानी कि आपका मोबाइल कहीं पड़ा पूड़ा होगा तो जब आप एप्लीकेशन से इसको कनेक्ट कर लेंगे तब आप इसको आराम से ढूंढ सकते हैं। और नेक्स्ट हो गया कैमरे के बाद, चलो ओके। ये डुअल मोड है दोस्तों, डुअल मोड के बारे में तो आप तो जानते ही हैं। ये दोस्तों लुकिंग फॉर ये क्या है, मैंने भी देखा ओके। ये आपने मोबाइल के फिट प्रो का जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे उस पर क्या क्या चीज़ अभी वर्क कर रही वो आपको डायरेक्ट इधर दिखा देगा। और लास्ट में था एक रीसेट है, ये आपके स्मार्ट वॉच को डायरेक्ट रीसेट कर देगा। और ये दोस्तों मैसेज है, और दोस्तों यहाँ पर आपको मेनू स्टाइल बता देगा जब आपको सिंपल या ऐसे गोल गोल करना हो उसके लिए। देखो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। अरे क्यों चला जा रहा है बार बार ये, मेनू स्टाइल दोस्तों अभी नॉर्मल है। अब देखो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा आप जैसा कि देख सकते हैं। और अब इसमें ढूंढना ये ओके, यहाँ मेनू में चले जाते हैं। ये दोस्तों मेनू में आपको अबाउट का मिल जाएगा, लैंग्वेज अगर आपको चेंज करना हो और डेट और टाइम सेट करना हो, ये सारी चीज़ें आपको इधर मिलेगी। और बस इतना ही है इसमें तो। और जब नीचे से आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको शॉर्टकट्स कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि डुअल मोड है, मेनू बार है दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन बार है, यहाँ से डायरेक्ट स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा। और ये आपका मैं जो लिस्ट था, ये शॉर्टकट ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप देख रहे हैं कुछ है नहीं खास दोस्तों, बस यही है। चलिए तो फाइनली अब आते हैं कि हमको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है और कैसे यूज़ करना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आपको इसका एप्लीकेशन ढूंढना नहीं है और डायरेक्ट चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसका एप्लीकेशन है फिट प्रो, आप जैसे देख सकते हैं फिट प्रो नाम से एप्लीकेशन है ये, डाउनलोड कर रखा है। तो ये मेरे स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। चलिए स्मार्ट वॉच को साइड में रखते हैं, देखते हैं ये एप्लीकेशन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों पहली चीज़ आपको मिलेगी, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। दोस्तों इसमें पहली चीज़ है एक्सरसाइज टू वॉच, यानी कि आप अपने वॉच का जो मूवमेंट है इससे ये ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अपने आपका वॉच वाइब्रेट करवा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़, दिस वॉच स्क्रीन विन वाइब्रेट मूवमेंट, यानी कोई भी मूवमेंट आप यहाँ से सीधा ऑपरेट कर सकते हैं इसका। उसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब दोस्तों, ये एप्लीकेशन है, यानी कि कौन से टाइम पर आपको मैसेज चाहिए और कौन से टाइम पर आप मैसेज नहीं चाहते अपने स्मार्ट वॉच में, वो चीज़ें यहीं से सेट कर सकते हैं, कितने टाइम तक मैसेज आना चाहिए और किस टाइम के बाद नहीं आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अलार्म है, अलार्म यहाँ से आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं उस टाइम पे आप ये क्या है ओके। दोस्तों तो इस एप्लीकेशन में आप कितने टाइम तक आपको बैठना है, कितने टाइम तक आपको घूमना है, टहलना है, जो भी हो XYZ, ये
ये सारी चीज़ें यहीं से सेट कर सकते हैं। जितना टाइम आपने सेट किया होगा उतने टाइम के बाद आपका जो स्मार्ट वॉच है बहुत ही ज़ोर से वाइब्रेट करने लगेगा और आपको बता देगा कि आपको उठ के टहलने जाना है, घूमने जाना है, जहाँ भी जाना है जा सकते हैं आप। चलिए इससे नीचे आते हैं दोस्तों, ये फाइन, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये भाई कुछ इस तरीके से भौंकने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि मेरा स्मार्ट वॉच कहाँ रखा है। हालांकि इतना ज़ोर से तो वाइब्रेट नहीं करता कि हमको पता चल जाए, बट कर लेता है, नॉर्मली कहीं पड़ा हो तो पता चल सकता है। दूसरा दोस्तों रिमोट शटर, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आप जैसे कि इसका फ़ोटो खींच सकते हैं, जैसे कि मैंने ये चीज़ का फ़ोटो खींचना है, क्लिक करना है, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे और ये 1 2 3 और ये फ़ोटो पड़ गया, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं तेरा फ़ोटो दोस्तों, फ़ोटो पड़ गया है। ओके, बस कुछ ऐसा ही है, सिंपल है, नॉर्मल है। चलिए इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं और आगे एप्लीकेशन में क्या मिलता है हमें। दोस्तों दूसरा है मैसेज पुश, यानी कि कौन कौन से मैसेजेस आपको अपने स्मार्ट वॉच में चाहिए, चाहे कॉल रिमाइंडर हो, SMS हो, वी चैट हो, व्हाट्सएप के मैसेज हो, इंस्टाग्राम के, XYZ, बहुत सारी चीज़ें आप ऑन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों रीसेट डिवाइस, उसके बाद रिमूव। रीसेट में आप यहीं से अपना स्मार्ट वॉच को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है रिमूव का, यहाँ से अपने स्मार्ट वॉच के और अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी डेटा आपका सेव हो चुका है अभी तक, कितना दौड़े कूदे फांगे, जो भी एक्सरसाइज, जो भी डेटा हो, वो सारा यहाँ से डिलीट आप कर सकते हैं और अपने स्मार्ट वॉच को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों OTA अपग्रेड, यानी कि अपने स्मार्ट वॉच में आप जो भी अपग्रेड आया हो, हालांकि ये फीचर इसमें है वही बड़ी बात है, कॉपीराइट है, फिर भी यहाँ से आप अपने स्मार्ट वॉच को डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट वर्जन आया उसमें। तो हम देख लेते हैं हमारे में कोई अपडेट आया है या नहीं आया। ओके, कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है और आएगा भी नहीं दोस्तों, कॉपीराइट है। चलिए लास्ट में मेन सेटिंग पे आ जाते हैं, जिससे हमारा सारा काम होने वाला है। ये डायल सेटिंग दोस्तों, इससे ही आप अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, सारा चीज़ इससे ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अभी जो हमारा फिक्स है वो ये वॉलपेपर है, लेकिन हमें तो बदलना है, तो हम जाएंगे इसमें दोस्तों रिकमेंड में, और पहले इसमें आपको थीम पसंद कर लेना है कि कौन सा रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, चेंज डायल। ओके, इसमें हमें जाना है दोस्तों, आप कोई फ़ोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यही कर लेता हूँ, पहला फ़ोटो ये है मेरा। अब मैं ये वॉलपेपर दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में सेट करके आपको बताता हूँ, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे सेट करना है। और दोस्तों हाँ, यही प्रोसेस आप कोई भी स्मार्ट वॉच में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वन प्लस की कॉपी है तो सिर्फ इसमें ये काम करेगी, ऐसा नहीं सर, जितने भी स्मार्ट वॉच हैं सभी में इस तरह की प्रोसेस आती है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फाइनली मैं इसको वॉलपेपर को सेट करता हूँ, और ये अभी जूम करना चाहता हूँ तो जूम भी कर सकता हूँ, यानी कि सब कुछ कर सकते हो आप। अभी मैंने 1 2 3 और ये सेट कर दिया दोस्तों। सेट होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा आप, जैसा कि देख सकते हैं। लेकिन आप जो अगर कुछ बदलना चाहते हो, मतलब आपको डेट और टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, XYZ जो भी करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो बदल के, देख सकते हैं आप यहाँ भी बदल रहा है ऊपर। ओके, तो मान लीजिए मुझे तो चाहिए, ये भी अच्छा ही था हालांकि, ओके ये भी मस्त है, तो मैं यही चाहूँगा, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से सेट कर देता हूँ नीचे ऑप्शन पे क्लिक करके, तो आप देखिएगा प्रोसेस चालू हो जाएगा इधर। ओके, तो प्रोसेस इसकी चालू हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका प्रोसेस दोस्तों होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका वॉलपेपर चेंज हो जाता है। ओके, तो दोस्तों फाइनली इसका प्रोसेस पूरा होने आया है, बहुत ही देर लगी इसमें लेकिन पूरा तो होने आया है। बट दोस्तों ये स्मार्ट वॉच जिस डिवाइस में यूज़ करता हूँ बहुत ही फास्ट उसका प्रोसेस है, इतनी देर में तो मैं 10 बार बदल चुका होता, बट इसमें थोड़ा स्लो है क्योंकि इसका वर्जन ही दोस्तों स्लो है। चलिए फाइनली हो गया 100% और ये रीसेट हुआ स्मार्ट वॉच अपना, और देखिए अपना कैसा बूम वॉलपेपर चेंज दोस्तों। तो ऐसे ही आप कोई भी वॉलपेपर रख सकते हैं, कोई भी अपना भी पर्सनल वॉलपेपर रख सकते हैं, अपनी थूथ का भी रख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस दोस्तों यही सारी चीज़ें थी कुछ इसमें जो मैंने आपको बता दी, और ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, भले ही एप्लीकेशन अलग हो बट आप कोई भी स्मार्ट वॉच का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सभी में एक जैसा सिमिलर प्रोसेस आता है। इसी वीडियो को देखकर आप कोई भी स्मार्ट वॉच में कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको ना समझ आए, कोई आपके पास ऐसा स्मार्ट वॉच है जिसकी फ़ोटो सेट कैसे करना है या XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेझिझक मुझे कॉमेंट में मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। आज का दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपकी ही चैनल है और ये हमारी एक फैमिली की तरह है।